ओम शांति। सभी महान तपस्वी आत्माओं का इस रूहानी महफिल में क्षमा परवानों की मंडली में हार्दिक अभिनंदन है। संगम की अंतिम घड़ियां नजदीक आ पहुंची है। संपूर्ण पावन बनने की विला है। 5000 वर्ष पहले आत्मा ने यहां से यात्रा आरंभ की थी, वापिस वहीं पहुंचने की घड़ी आ गई है। चक्र घूमकर फिर से परम धाम पहुंचने वाला है। कुछ ही पल बाकी है ये आत्मन अब पुरानी देह और देह की दुनिया से अपनी स्मृतियों को हटा दो। और एक बाप की याद में लगा दो। बस एक बाप की याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। अपनी याद को सतो प्रधान बनाते चले। ऐसी सर्व प्रधान याद जो 63 जन्मों के ये हुए विकर्मों की मैल को भी धोते। सभी मस्तक में अंतर्मुखी होकर गहन याद की यात्रा में लीन हो जाएं। और कुछ भी याद न आए, केवल बाप के सिवाय अंतर्मुखता की गुफा में एकाग्रचित हो जाए।
सभी गहरी सच्ची अंतर्मुखी याद में टिकाते चले जाएं। महसूस करें एक बाप की याद के फाउंटेन के नीचे बैठी हूं और बस बाबा की मीठी याद का आनंद ले रही हूं। याद में डूबी जा रही हूं। जिस प्रकार से आशिक अपने माशूक की याद में खोए रहते हैं, अब मेरी याद भी ऐसी पवित्र एक व्रता होती जा रही है। मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा। केवल बाबा की याद का आनंद आ रहा है। बैठ जाओ। बीस मिनट ऐसी याद का आनंद लें और मन को पावन बनाएं।
मैं आत्मा मेरा बाबा बस तीसरा कोई भी यातना आए ऐसी गहरी साइलेंस भरी याद में प्यार भरी याद में डूब जाए।